अस्सलाम वालेकुम क्लास बेटा, करेक्शन करेंगे आज। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ये वही चीजें हैं जो हमने पहले कर ली हुई हैं, लेकिन बार बार करने का मकसद ये है कि आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएं और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आपने पूरे 19 करेक्ट लगा दिए तो आपके 19 पूरे के पूरे मार्क्स लगेंगे, उसमें से कोई मार्क्स कट नहीं सकते। ट्रांसलेशन या क्वेश्चन आंसर्स में से मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन इसमें से नहीं कट सकते। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज अ सीरियस इंजरी बट आई डैश अगेन इन 6 मंथ्स। ये एक सीरियस इंजरी है, लेकिन मैं 6 मंथ्स में क्या करूंगा। अच्छा, ऑप्शन देखें, चूंकि ये आपके लिए एक न्यू सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले ऑप्शन देखें कि क्या ऑप्शन आ सकते हैं। पहला है वॉक्ड, नहीं आ सकता, पहले इसे में प्रेजेंट है। दूसरा है विल बी वॉकिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस आ सकता है क्योंकि पहले में प्रेजेंट है, लेकिन अब अभी हम इसको रोकते हैं, आगे देखते हैं। हैज वॉक, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि आई के साथ हैज नहीं आता। उसके बाद हैज बीन, ये भी नहीं आ सकता, आई के साथ हैज बीन भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन दुरुस्त है, बट आई विल बी वॉकिंग इन 6 मंथ। इसका मतलब है कि ये बहुत सीरियस इंजरी है, बड़ा सीरियस जख्म है, लेकिन मैं 6 मंथ्स में दोबारा चल रहा हूँगा, यानी दोबारा चलना शुरू कर दूँगा। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वेटिंग हियर, तुम कब से यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, कब से यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो कब से, अब इसमें बीन पहले लगा दिया ऑलरेडी, आपके लिए ज़्यादा आसानी बन गई। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, जब हमारे पास यू होता है तो हैव लगाते हैं। अब देखिए जुमला ठीक हो गया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, तुम यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे हो। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। आई टोल्ड अली दैट ही डैश इन डिम लाइट, मैंने अली को बताया कि वो डिम लाइट में पढ़ रहा है। आ सकता है, इज रीडिंग नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट है, पास्ट के बाद हम पास्ट ही लगाते हैं, प्रेजेंट नहीं लगा सकते। ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है, ठीक है, कि प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, लेकिन पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज, ही वॉज रीडिंग, आई टोल्ड अली, मैंने अली को बताया दैट ही वॉज रीडिंग इन डिम लाइट, कि वो कम रोशनी में, मध्यम रोशनी में पढ़ रहा था, पास्ट के बाद पास्ट। सेंटेंस नंबर 4 है, वेंट ऑन द रूफ टू सी व्हाट द बॉयज, मैं छत पर गया देखने के लिए कि लड़के क्या कर रहे हैं, व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, गलत, नहीं आ सकता, क्यों, पास्ट, पहले हिस्से में पास्ट है, दूसरे में प्रेजेंट नहीं आ सकता। वॉज डूइंग पास्ट है, आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, उसकी वजह यह है बेटा कि बॉयज प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वॉज नहीं लगाते। वर डूइंग आ सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लें, हैव डन, ये लड़के क्या कर चुके हैं, ये भी नहीं आ सकता, उसकी वजह फिर वही पास्ट, पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता। हैड डन होता तो आ सकता था पास्ट परफेक्ट। तो अब ये एक ही ऑप्शन बचता है जो दुरुस्त है, वर डूइंग, मैं छत पर देखने गया कि लड़के क्या कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है 5, वाई डैश शी नॉट कम्प्लीटेड द कोर्स ऑफ स्टडीज, इस जुमले में हमने देखना है कि क्या आएगा। अगर आप गौर से देखें तो इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ आती है, ठीक है। यू नो थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज फॉलोड बाय हैज, हैव एंड हैड, हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर वाई हैज लगाएंगे क्योंकि शी है, आई वी दे और प्लूरल नाउन होता तो फिर हम हैव लगा, ठीक है जी बेटा। अब इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, शी डैश द फी येट, आपको याद होगा कि येट कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस का,
yet. तो not paid has not paid. She has not paid the fee yet. तो हमें कैसे पता चला has not paid आएगा इस yet की वजह से. Yet present perfect के negative sentences की निशानी है keyword. उसके बाद है dash hard at present. Rain हमारे पास verb है और इसमें keyword है at present. At present, now, nowadays, at the moment, these days, ये सारे keywords हैं present continuous. तो यहाँ पर रहेगा it is raining hard at present. इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है. ये it is raining क्यों आएगा at present इसका keyword. उसके बाद है sentence number 8. I dash all the homework before he returns. उसके आने से पहले मैं सारा होमवर्क. अच्छा अब बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अगर बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो जो दूसरा हिस्सा है उसमें प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट आता है. ठीक है, अगर एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बिफोर वाले दो ही जुमले हैं. अगर बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट, और अगर बिफोर वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट आता है. तो इसमें बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे हिस्से में आएगा फ्यूचर परफेक्ट. तो यहाँ पर आएगा डू ऑल द होमवर्क. डू है तो आई शैल हैव डन ऑल द होमवर्क बिफोर ही रिटर्न्स. उसके लौटने से पहले मैं घर का सारा काम खत्म कर चुका हूँगा. दूसरा जुमला है व्हेन सलमा गेट्स अप द मदर डैश द एग. अब ये ऊपर दोनों जुमले मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सेम तरह से होते हैं. जैसे बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट आता है. इसी तरह से अगर व्हेन वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट आएगा. द मदर विल हैव बॉइल्ड. लेकिन आपको याद होगा अगर व्हेन वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट हो तो फिर दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस आता है. सेंटेंस नंबर 10 है द चीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस डैश. फिर बिफोर वाला जुमला मैंने भी आपको बताया बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट आता है, और अगर बिफोर पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आएगा. तो फिर यहाँ पर आएगा पुलिस अराइव. पुलिस के पहुँचने से पहले द थीफ हैड एस्केप्ड. चोर फरार हो चुका था. चोर फरार हो चुका था पुलिस के पहुँचने से पहले. शी सेड दैट शी डैश टी. नीचे ऑप्शन मैंने सारे लिख दिए हैं. टेक नहीं आ सकता क्योंकि पहले हिस्से में पास्ट है. हैज टेकन नहीं आ सकता पास्ट है. हैड टेकन आ सकता है क्योंकि पास्ट है. और इज टेकिंग नहीं आ सकता क्योंकि पहले हिस्से में पास्ट है. तो पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट. अब सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है जो पास्ट है. अब चूंकि पहले हिस्से में पास्ट है तो फिर हमने दूसरे में पास्ट ही लगाना है. और इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें पास्ट है, और वह हैड टेकन. उसने कहा कि वो चाय पी चुकी थी. द डैश इन पाकिस्तान यस्टरडे मॉर्निंग. यस्टरडे जिसके अंदर कीवर्ड है. यस्टरडे कीवर्ड किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का. यस्टरडे प्रीवियस डे अगो लास्ट 2015 कोई भी जो गुजरा हुआ जमाना है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ करते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे यानी अराइव्ड सेकेंड फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सेकेंड फॉर्म. द डैश देयर लेसन टुमारो. टुमारो आने वाला. लर्न फर्स्ट फॉर्म. अब जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सॉरी टुमारो है आने वाला. जैसे हर गुजरे हुए जमाने में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, आने वाले हर जमाने में फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन मौजूद ना हो. इसमें मौजूद है इसलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट ही लगाएंगे. ठीक है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आने वाले ज़माने में फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑप्शन ना हो तो फिर हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं. अब ब्लैक शीप डैश द होल फ्लॉक. स्पॉइल्स आएगा क्यों? क्योंकि ये
प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कई दफ़ा आपको मैंने ये बताया है। ब्लैंक शीट सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हम ऐसे इसका इजाफा करेंगे। इसका मीनिंग है एक गंदी मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। अब ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक। उसके बाद है इट डैश टू टू स्टार्ट अ पर्ल। इट टेक वर्ब है हमारे पास टेक। इट डैश टू स्टार्ट अ पर्ल तो यहाँ पर आता है टेक्स। प्रोवर्ब है, ये भी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब है और इसका मतलब है ताली दोनों हाथों से बजती है। इसका मतलब है ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स, अब इट है, इट के साथ हमेशा ऐसी इसका इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब चूंकि ये प्रोवर्ब है और हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है तो इट के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ऐसी इसका इजाफा करना है। ठीक है बेटा, ये आज हमारी करेक्शन थी। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर कोई भी बात आपको बेटा नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह।